नहीं भाई, दिल्ली तेरी किस्मत। कहाँ गया? पूरा अभी नहीं रुकेगा, तो एक बार देख लिया मुड़ के। सो गाइस, जस्ट अभी लंच किया है और टाइम भी हो गया हमारा 1:10 और हमें पांगड़ी के लिए निकलना है। पांगड़ी यहाँ से 1 घंटा दूर है, 45 किलोमीटर्स है यहाँ से पांगड़ी, कोलारा कोर गेट से। सो हमें 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, बस हम निकल रहे हैं। सो आपको सीधा पांगड़ी के गेट पर मिलते हैं, और बीच में अगर कुछ लगा कि अच्छा चीज़ है दिखाने के लिए तो मैं आपको फॉर श्योर दिखाता हूँ। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पांगड़ी गेट, और ये पांगड़ी कोर एरिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15, हमें एग्जैक्ट लगा है 1 घंटा पहुंचने में। आईडी 1 मिनट, 1 मिनट आईडी देता हूँ। ये लीजिए, अच्छा है ना, ज़्यादा। सो हम अब मेरे पीछे देख रहे हैं पांगड़ी का एरिया, दिस इज़ पांगड़ी कोर गेट। और यहाँ पे आज सिर्फ 2 ही जिप्सी हैं, एक हमारी है और एक हमारे रिजॉर्ट में एक हैं जो स्टे कर रहे हैं उनकी। सो 2 जिप्सी हैं, अगर टाइगर साइटिंग हुई, फिंगर्स क्रॉस है हमारी, प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि अच्छी टाइगर साइटिंग हो। टाइगर साइटिंग हुई तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम टाइगर डिस्टर्ब नहीं होगा। टाइगर हमेशा यूजुअली डिस्टर्ब होता है जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे इस जोन में सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं आज, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइम है 2:15 हो रहे हैं अभी, तो 2:30 बजे से सफारी स्टार्ट होगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप, जब तक हम अंदर नहीं एंटर करते, तब तक आप पूरा कैंपस देख लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में फॉरेस्ट का पूरा ये है, रेस्ट हाउस है, यहाँ पे फॉरेस्ट चौकी है। ये राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन है, यहाँ पे सारी आईडीज़ और वो सब चेक होती हैं। और मेरे राइट हैंड साइड में ये कोर एरिया है पूरा। ये सारा कोर एरिया है। और देखो हमारे भाई साहब, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। पानी नहीं आया, धूप देख रहा। पानी कहाँ गया? आरओ का है। कोई नहीं, घटक लेंगे। हाँ भाई, आ गए हम, पहुंच गए। अभी लली कैसे चटकारे लग रहे धूप के? ओहो, बहुत तेज, बहुत तेज। लाल पड़ गया। ये अभी निकला था, इतना गर्म हो गए। यार बहुत ठंड, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। यार स्प्रिंकल नहीं कर सकते ना पानी, कितना करोगे? 48 डिग्री 50 डिग्री में कितना पानी रुक जाएगा? क्या दे रहे हो? ये देखो पानी की टेस्टिंग हो रही है। अबे क्या करोगे पानी की टेस्टिंग करके?
दादा आते रहने वो बोतल में दो तीन भर लेते अपन इसका वाटर कम कर ठंडा तो रहेंगे ये दो तीन में सभी भर लेंगे वो नहीं पिएंगे आलू नहीं पिएंगे ये बोतल कितनी है ये मिनरल वाटर है ना पक्का तो बस यही लेंगे ये ले लो फिर छोड़ो बाहर मत यहाँ पानी की लड़ाई है यहाँ का जो पानी है वो थोड़ा हार्ड है सो मिनरल वाटर लाना भूल गए थे तो यहीं पे इनके यहाँ पे एक सी सिस्टम है अब कोई से भी गेट पे जाओ जो भी कोर जोन के गेट्स हैं किसी भी गेट में जाओगे तो वहाँ पे मिनरल वाटर अवेलेबल है तो उसका टोटल टैरिफ 120 रुपए का है सो जब आप सफारी से वापस आते हो उनको बॉटल वापस देते हो तो आपको 100 रुपीज़ रिटर्न करते हैं वो तो मोटा मोटा आपको पानी 20 रुपए का पड़ता है एक बॉटल तो यहाँ पे ये वाला सीन है अगर आप वाटर बॉटल कैरी करना भूल गए हो तो आप अपनी वाटर बॉटल यहाँ पे यहाँ से ले सकते हो पानी की बोतल और उसको रिटर्न करके 100 रुपये आप वापस ले सकते हो तो 20 रुपये का आपको पानी पड़ेगा पर बॉटल यहाँ पे वैसे 120 रुपये का है रिटर्न करने के बाद 100 रुपये आपको रिटर्न मिलते हैं तो 20 रुपये वो अपने पास रखते हैं तो आइडली 20 रुपये का पानी हो गया। नॉर्मल ट्रैकर मतलब ये लोकेशन ट्रैकर हाँ, होगा ना जैसे ये गार्ड घूमते ना हाँ के लिए तो ये लेके जाते इसको ऑन कर देते फिर इसमें कितने किलोमीटर यानी अच्छा उसकी ट्रैकिंग उसकी ट्रैक टाइम भी हो गया एक मिनट बाकी तो ब्लैक ही कोर में है बफर में है दोनों गाइस हमने एंटर कर लिया पांगी जोन में सो अब सफारी स्टार्ट हो चुकी है अब देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है आपको अपडेट रखेंगे झरना नहीं है वाटर बॉडी है
कॉक का स्ट्रेस कॉल, स्ट्रेस कॉल मतलब कुछ देखा है उसने, कुछ देखा है इधर देख के बोलता है ये तो आगे है, वो आगे इतना आगे तो नहीं है। और भी है लंगूर सब बोलेंगे पंखा के पानी के पास चलते हैं। वॉच टावर लगा रखा है इन्होंने भाई, सबसे बेस्ट वॉच टावर है, बैठ चल कंफर्म कॉल हाँ कन्फर्म कॉल लाला बैठ जाए मिला है। डर लगता है नजर लगा दो शकल पे पता चल, दो ही गाड़ी थी ना, तीन कैसे आ गई, हो सकता है घर की गाड़ी लेट भी हो सकता है। छोटा है सो गाइस हम पांगड़ी से बाहर आ गए हैं, कोर जोन से बाहर आ गए हैं। सो साइटिंग आज स्लॉथ बेयर की हुई और लेपर्ड की, लेपर्ड काफ़ी अंदर था तो दिखा नहीं, पर स्लॉथ बेयर की साइटिंग हुई, स्लॉथ बेयर अच्छी तरह से दिखा, फोटोग्राफी पॉइंट से नहीं था क्योंकि अंधेरे में था, थोड़ा अंदर था तो फोटो नहीं आई, बट साइटिंग हो गई है। तो यहाँ पे एंड करते हैं सफारी को और आपसे रिजॉर्ट में मिलते हैं। वापस आ गए हैं रिजॉर्ट में। सो पांगड़ी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पांगड़ी एक तो कोलारा जहाँ पे हम रुके हैं, कोलारा कोर, कोलारा रेंज जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्स 55 to 1 hour लगता है पहुँचने में। और जो इसका जो रूट है वो बेसिकली आपका कोर और बफर के बीच से है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो सिरकड़ा गेट का बफ़र पड़ता है, बिलारा बफ़र पड़ता है, फिर आगे जाएंगे तो कोलसा रेंज पड़ती है, कोलसा का बफ़र लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कोलसा का कोर राइट हैंड साइड में, तो एंड में जाके पड़ता है। और अब करते हैं जंगल की बात। तो पांगड़ी जोन बहुत अच्छा है, नो डाउट जोन बहुत अच्छा है, बहुत डेंस जंगल है, वाटर बॉडीज बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी हैं, बट दिक्कत ये है कि वाटर बॉडीज़ बहुत दूर है। मतलब अगर आपको एक वाटर होल से दूसरे वाटर होल जाना है तो अप्रोक्स आपको लगेगा 10 से 15 मिनट पहुँचने में, वो दिक्कत है। और टाइगर साइटिंग के मामले में जो गाइड सर ने बताया था कि यहाँ पे पूरे जोन में नॉन टूरिज्म और टूरिज्म जोन में टोटल 18 टाइगर,
अब यहाँ पे प्रॉक्स ये नहीं पता कि कौन सा टाइगर की कहाँ पे लोकेशन है, क्योंकि कल बता रहे थे कि कल रात में, कल इवनिंग सफारी में लोगों पे टाइगर दिखी है वाटर होल पे एक घंटा, और मॉर्निंग में ज़ीरो साइटिंग। आज भी हम गए थे तो ज़ीरो साइटिंग थी, ज़ीरो साइटिंग थी आज। अलार्म कॉल बहुत चली बट साइटिंग ज़ीरो थी। और ओवरऑल बोलूँ तो जंगल अच्छा है, मेडोज अच्छे हैं, ग्रासलैंड बहुत बड़े हैं, ग्रासलैंड बहुत अच्छे हैं। बट आज हमें दिखा आते लास्ट में, मतलब हमने पूरा पार्क घूमा अच्छा खासा, हमने तीन घंटे बिताए पार्क में। और जब हम बाहर निकलने आ रहे थे तो हमें लेपर्ड की साइटिंग में, और लेपर्ड भी ऐसा था कि अंदर अंदर जा रहा था तो दिखा, पर फोटोग्राफी पॉइंट से अच्छा नहीं था। और फिर जब हम गेट के पास पहुँचे तो हमें एक स्लॉथ बियर मिला, वो भी मतलब अंधेरा हो चुका था और अंदर अंधेरे में था तो देखने में ठीक था पर फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं आया। सो अगर आप पांगड़ी आ रहे हैं, पांगड़ी की सबसे बेस्ट बात यह है कि पांगड़ी में सिर्फ पांगड़ी गेट से सिर्फ दो गाड़ियों की एंट्री है, सिर्फ पूरे उसमें जोन में सिर्फ दो गाड़ी जाती है और अदर जोन से तीन गाड़ी आती है। तो टोटल पूरे एरिया में, कोलसा जो एरिया है पांगड़ी का, उसमें सिर्फ आती हैं पांच गाड़ियाँ इन टोटल। सो अगर यहाँ पे टाइगर दिखता है तो बहुत अच्छी साइटिंग होती है। ये गाइड और ड्राइवर्स बता रहे थे कि जब उनको दिखा कल शाम को तो डेढ़ से दो घंटे तक टाइगर दिखा उनको आराम से। हेड ऑन दिया, वॉक करते हुए गए, पानी में बैठी रही, फिर वापस आई, फिर वॉक किया, तो अच्छा है। तो इन शॉर्ट टाइगर साइटिंग लक पर डिपेंड करती है, आपका उस दिन का लक कैसा है। अगर आप लकी इनफ हो तो आपको रेयर स्पीसीज भी मिल जाएंगे, अगर लकी इनफ नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो डियर और जो हबी वो इसकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है अभी तक, जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर नेशनल पार्क, जैसे कि बांधवगढ़ हो गया, काना हो गया, कॉर्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, मेजर मेजर जो है इनमें टाइगर पॉपुलेशन बहुत, हर्बीवर्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो ईज़िली पता चल जाता है कि टाइगर की मूवमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ पे विदाउट कॉलर में टाइगर मिला अभी तक, कोई कॉल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, और टाइगर हमें दिख गया। सो यहाँ पे उल्टा है, वे अपोजिट। ड्राइवर गाइड भी बोल रहे थे कि यहाँ पे टाइगर यूजुअली विदाउट कॉल मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अलग रेंज देखने का। सो कल की हमारी सफारी है कोलारा कोर की, मॉर्निंग इवनिंग की। सो कल देखते हैं क्या होता है, टाइगर्स यहाँ भी हैं, यहाँ पे मेल टाइगर्स हैं, उनको सर्च करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। सो बस अभी टाइम हो गया है, टाइम हो गया है 7:48। सो बस थोड़ी देर में फ्रेश होके थोड़ी देर घूमेंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर नैप लेंगे और आपसे कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग सफारी में। टिल देन ओके बाय।